नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि एक सोलेनोइड है ना, एक सोलेनोइड है और इस सोलेनोइड का रेडियस दिया गया है आर, और यहाँ पर एक रिंग रखा गया है बड़ा सा, कोएक्सियली रखा गया है। तो ये जो रिंग है इसका रेडियस है 2R, ठीक है। इस सोलेनोइड में जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, जो करंट है वो टाइम डिपेंडेंट है। यहाँ पर कहा गया है ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस R कैरीज अ टाइम डिपेंडेंट करंट I इज इक्वल टू I नॉट इंटू t इंटू 1 माइनस t। रिंग ऑफ रेडियस 2R इज प्लेस्ड नियर इट्स सेंटर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t lies between 0 to 1। द इंड्यूस्ड करेंट IR एंड इंड्यूस्ड EMF VR इन द रिंग वेरीज एज, इसमें बताया गया है कि करंट जो है अपना डायरेक्शन चेंज करेगा या नहीं करेगा, है ना, और जो EMF है वो जीरो होगा या मैक्सिमम होगा किसी टाइम पर। तो ये हमें यहाँ पर देखना है। तो हमें पता है कि जो सोलेनोइड है इसी की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर इसको अगर हम लोग इधर से देखें, इधर से अगर कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ये रिंग हो गया और ये सोलेनोइड हो गया, है ना। सोलेनोइड का रेडियस R है और रिंग का जो रेडियस है वो 2R है, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड की वजह से केवल इसी रीजन में होगा, है ना। तो अगर हमें यहाँ पर फ्लक्स निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स इस रिंग के अक्रॉस, तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू ये वाला एरिया लेंगे, क्योंकि फील्ड तो इसी में है केवल, पाई आर स्क्वायर। बी जो होता है ये होता है म्यू नॉट एन इनटू आई इनटू पाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट एन, आई का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया गया है जो कि टाइम डिपेंडेंट है, आई नॉट इनटू टी 1 माइनस टी इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये तो हो गया फाई। अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है जिसको कि यहाँ पर वी आर कहा गया है रिंग के अक्रॉस, तो इसको लिखेंगे डी फाई बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि म्यू नॉट एन इंटू म्यू नॉट एन इंटू आई नॉट पाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है और अंदर है देखेंगे टी माइनस टी स्क्वायर, तो ये आएगा टी का 1 माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, है ना, ये आएगा। तो ये जो वी आर है ये जीरो कब होगा, इसको जीरो करके देखेंगे, ये जीरो कब होगा जब ये वाला टर्म जीरो हो, यानी टाइम का जो वैल्यू है वो आएगा 1/2 सेकेंड। वी आर विल बी जीरो एट टी इज इक्वल टू 1/2, ठीक। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ जब जीरो होगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्शन रिवर्स होगा, उसकी पोलरिटी रिवर्स होगी, और पोलरिटी रिवर्स होगी तो करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जिस इंस्टेंट पर जीरो होगा उसी इंस्टेंट पर करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता है। तो देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है इसमें कहा गया है करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन एंड EMF will be zero, है ना, EMF will be zero at t is equal to 0.5 second। यहाँ पर ये जो टाइम है 0.5 second है, तो ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन है वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट से रिलेटेड है, जो कि वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि इफ़ 10% ऑफ इंटेंसिटी इज पास्ड फ्रॉम एनालाइजर देन द एंगल बाय विच एनालाइजर शुड बी रोटेटेड सच दैट ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी बिकम्स जीरो, है ना। तो हमें पता है कि अगर यहाँ से आई नॉट इंटेंसिटी लाइट का जा रहा है, ठीक, अगर पोलराइजर जो है बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है तो ये सारी इंटेंसिटी यहाँ से सारा लाइट पार कर जाएगा, ठीक। लेकिन अगर इस पोलराइजर को थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं तो जो इंटेंसिटी है वो कुछ इतनी हो जाती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, है ना।
अब यहाँ कहा गया है कि केवल 10% इंटेंसिटी पास हो रहा है, तो पहले हम लोग थीटा का वैल्यू निकालते हैं। ये जो आई है ये हो गया आई नॉट बाई 10, है ना, 10% का मतलब कि 1/10 हो गया है, तो ये हो गया आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट और आई नॉट कैंसिल हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1/10, यानी कॉस थीटा हो गया 1/√10, तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली 0.31 आएगा, है ना। अब ये कॉस थीटा का वैल्यू आया, कॉस 45 डिग्री कितना होता है, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, जो कि 0.707 के आसपास ऐसा आता है, है ना। तो देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है ना, ये जो है ये लेस देन है 0.707। खास बात यह है कि कॉस थीटा का वैल्यू अगर कम हो तो थीटा का वैल्यू ज़्यादा होता है ना। कॉस थीटा में थीटा इंक्रीज करने से कॉस थीटा डिक्रीज होता है, तो ये कहा जा सकता है कि ये जो थीटा है ना, ये कॉस 45 डिग्री का वैल्यू था, है ना, तो ये कॉस थीटा जो है कॉस 45 डिग्री से कम है। कॉस थीटा कॉस 45 से कम है मतलब थीटा जो है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक। अब आप देखें कि ऑप्शन में थीटा जो वैल्यू दिए गए हैं, यहाँ पर एक 60 डिग्री दिया गया है और एक दिया गया 71.6 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो तरह के ऑप्शन देख सकते हैं। अगर थीटा 60 डिग्री होगा तो रोटेशन कितना करना पड़ेगा, अगर ये जो एनालाइजर है अगर मैं इसको बिल्कुल 90 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ, ये वर्टिकल था, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूँ यानी थीटा 90 कर दूँ, तो थीटा 90 करते ही इंटेंसिटी जीरो हो जाता है, ठीक है। थीटा का वैल्यू 90 करते ही, है ना, अगर ये जो एनालाइजर है अगर ये हॉरिजॉन्टल हो जाए, ये थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो इंटेंसिटी जो है वो जीरो हो जाता है। तो पहले जो थीटा ये वाला है जो यहाँ दिया गया है और अब 90 करना है ना, तो हमें बताना है कि कितना एंगल से इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, 60 डिग्री या 71.6 डिग्री हम रख सकते हैं। अगर मैं थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रखूँगा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रखूँगा तो कितना एंगल रोटेशन होगा, 90 डिग्री पहुंचाने के लिए 30 डिग्री से रोटेशन करना पड़ेगा, 30 डिग्री का ऑप्शन इसमें है नहीं, है ना। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि ये एंगल 71.6 डिग्री रखता हूँ, 71.6 डिग्री रखता हूँ, थीटा का वैल्यू ये थीटा 71.6 डिग्री रख लूँ तो 90 डिग्री तक पहुँचाने के लिए कितना रोटेशन करना पड़ेगा, 90 माइनस 71.6 डिग्री, जो कि आएगा 18.4 डिग्री। तो 18.4 डिग्री से उसको रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह पूछा है कि कितना एंगल से उसको रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 45 डिग्री के नीचे केवल एक ही ऑप्शन दिया गया है 18.4 डिग्री का, तो ये जो होगा एंगल ऑफ रोटेशन हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा थीटा है वो 71.6 डिग्री होना चाहिए, जिससे हमें रोटेशन 90 डिग्री तक पहुंचाने के लिए, 90 डिग्री तक एंगल थीटा को पहुंचाने के लिए इतना डिग्री का रोटेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये अपना करेक्ट ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स में जो गैसियस मिक्सचर हम लोग पढ़ते हैं उससे रिलेटेड ये सवाल है। कहा गया है 3 moles ऑफ आइडियल गैस ए विथ Cp/Cv इज इक्वल टू 4/3 इज मिक्स्ड विथ 2 moles ऑफ अनदर आइडियल गैस बी विथ Cp/Cv इज इक्वल टू 5/3 देन फाइंड Cp/Cv ऑफ मिक्सचर एज्यूम टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब भी हम लोग मिक्सचर का फॉर्मूला फाइंड करते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब मिक्सचर का Cp निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है N1Cp1 + N2Cp2 / N1 + N2। Cv मिक्सचर का जो फॉर्मूला होता है
ये होता है N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 और मिक्सचर का गामा निकालते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं CP मिक्सचर डिवाइडेड बाय CV मिक्सचर, ऐसे निकालते हैं, है ना। यानी इसका और इसका रेशियो, तो ये आता है N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 CV1 प्लस N2 CV2। N1 प्लस N2 यहाँ से और N1 प्लस N2 यहाँ से कैंसिल हो जाता है। ध्यान रखना है कि गलती से भी ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ये जो फॉर्मूला है ये गलत फॉर्मूला है ना। अगर ये सही होता तो ये वाली वैल्यू इक्वल आनी चाहिए थी, लेकिन ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं आती। गामा का जो डिफिनेशन है वो होता है CP बाय CV। अगर ये दोनों सही है, CP मिक्सचर सही है, तो इनका रेशियो ही गामा मिक्सचर बताना चाहिए, है ना। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जैसे जो गैस ए है, गैस ए का जो CP बाय CV यानी कि गामा दिया गया है 4/3। हमें पता है कि जो गामा होता है एक्चुअली में 1+2/डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना। तो यहाँ से आप एफ का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो एफ का वैल्यू निकालने से यहाँ पर एफ का वैल्यू आ जाएगा 6, निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये 4/3 -1 तो यह आएगा 1/3 = 2/f, यानी f इज इक्वल टू 6, ठीक। उसी तरह से इसके लिए अगर CP निकालेंगे, CP A के लिए, या CP1 में लिख देता हूँ, CP1 होता है f + 2 r/2 यानी कि 8 r/2 जो कि 4 r आएगा। इसके लिए CV निकालेंगे तो वह था f r/2 यानी 6 r/2 जो कि 3 r आएगा, है ना। उसी तरह से गैस B की अगर बात करें तो उसके लिए जो गामा दिया गया है वो दिया गया है 5/3। तो ये आपको याद होगा मोनोएटॉमिक के लिए होता है, ये तो बहुत ज़्यादा बार यूज होता है। गामा का वैल्यू है 5/3, ये होता है 1+2/f जैसा कि यहाँ फॉर्मूला बताया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से आप निकालेंगे तो 5/3 - 1 यानी कि 2/3 = 2/f, तो यहाँ से f का वैल्यू हो गया 3। तो ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए है और ये पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए हो गया, है ना। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है, ये मोनोएटॉमिक गैस है। तो इसके लिए अगर CP निकालेंगे गैस B के लिए तो होता है f + 2 r/2 यानी कि 5 r/2। इसके लिए CV निकालेंगे तो होता है f r/2 यानी कि 3 r/2, ठीक है। तो अगर गामा मिक्सचर निकालना हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले वाले गैस का 3 मोल्स दिया है क्वेश्चन में, तो N1 3 है, N1 CP1 CP1 जो है वो 4 r है, प्लस N2 जो है दूसरे वाले गैस का, गैस B के 2 मोल्स दिए गए हैं, N2 × CP2 जो है वो है 5 r/2। N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 CV1 पहले वाले का 3 मोल्स और CV1 उसके लिए CV 3 r है, प्लस N2 जो है 2 है इंटू CV2 देखेंगे 3 r/2 है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो इधर बचा 12+5 = 17 r और यहाँ पर बचा 9+3 = 12 r, है ना। यानी कि 17/12 जो कि 1.42 आएगा, है ना। तो मिक्सचर का गामा ये है। आप देखेंगे जो ऑप्शन 2 दिया गया है वो एग्जैक्टली 1.42 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है। इसमें जो वेव का इक्वेशन होता है वो दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में और दूसरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में।
तो मैग्नेटिक फील्ड कटर में इक्वेशन वेव का इक्वेशन दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड कटर में इक्वेशन इसमें पूछा गया है. कहा गया है गिवेन मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन इज बी इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव जे कैप, यानी कि वाई डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड. देन अप्रोप्रिएट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे देखेंगे के कैप दिए गए हैं ना, यानी कि जे डायरेक्शन दिया गया. हमें पता है कि जब लाइट वेव ट्रेवल करता है ना, लाइट वेव ट्रेवल करता है, अगर लाइट वेव एक्स डायरेक्शन में जा रहा हो है ना, तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हो. मैग्नेटिक फील्ड अगर ये वाई है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है ना, और ये जेड डायरेक्शन है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम फेज में मैग्नेटिक फील्ड के साथ में सेम फेज में वाइब्रेट करता है, लेकिन वो परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करता है. वो ये एक्स जेड प्लेन में वाइब्रेट करेगा, ये वाई जेड एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेट कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है एक्स जेड प्लेन में वाइब्रेट करेगा, ये कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से ये वाइब्रेट करेगा, ये एक्स जेड प्लेन में वाइब्रेट करेगा. तो पहला काम तो हमारा ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होता है बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई, ये अगर दिया गया है जे कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है ये होना चाहिए ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, है ना. मतलब कि लाइट तो एक ही है, इसलिए फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, तो ये फेज एंगल दोनों का इक्वल होगा, है ना. बस प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर होगा. ये वाई डायरेक्शन वाइब्रेट करता तो ये जेड डायरेक्शन वाइब्रेट करेगा, तो यहाँ पर के कैप आ जाएगा. ठीक. अब ये ई नॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें इसके लिए पता है कि ई नॉट बाई बी नॉट जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू बताता है. स्पीड ऑफ लाइट जो कि हमें पता है, ये हम लोग मानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना. ई नॉट का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा बी नॉट इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸. बी नॉट का वैल्यू देखेंगे, यहाँ बताया गया है 3 × 10⁻¹, ये बी नॉट है ना, 3 × 10⁻¹. तो ये हो गया, और ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी नॉट के साथ में 3 × 10⁸. तो ये वाला और ये वाला मिल करके 1 हो गया, 3 × 3 ये आ गया 9 ई नॉट का वैल्यू. तो ई नॉट का वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो आएगा 9 × sin ωt + kx + φ kx. ठीक है, तो ये इक्वेशन है, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन आ रहा है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग एक सर्किट के बारे में पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है एलसी सर्किट, है ना. उसमें केवल इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं, बैटरी नहीं होता. तो उसमें क्या होता है कि जो एनर्जी है वो ऑसिलेट करता है, उसको हम लोग इसीलिए एलसी ऑसिलेटर कहते हैं उस सर्किट को, है ना. एलसी ऑसिलेटर में क्या होता है, एनर्जी कभी कैपेसिटर में होता है, कभी इंडक्टर में होता है. चूँकि उस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तो एनर्जी लॉस होती नहीं है, और इसलिए एनर्जी जो है कैपेसिटर से इंडक्टर में, इंडक्टर से कैपेसिटर में ऑसिलेट करती रहती है, है ना. लेकिन अगर उसी सर्किट में, एलसी सर्किट में अगर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए तो रेजिस्टेंस के पास एनर्जी का लॉस होने लगेगा, ठीक है. तो जो एनर्जी है वो धीरे धीरे घटने लगेगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एनर्जी हम लोग कॉन्स्टेंट मानते हैं, है ना. लेकिन एक डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि एनर्जी धीरे धीरे घटने लगती है, तो एम्पलीट्यूड घटने लगता है, है ना. तो इन दोनों का एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई कंपेरिजन है ना. तो उससे रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछा गया है, यह है क्वेश्चन नंबर 10. देखते हैं क्या पूछा गया है. इसमें कहा गया है There is a LCR circuit if it is compared with a damped oscillation of mass m oscillating with force constant k and damping coefficient b. Compare the terms
of damped oscillation with the devices in LCR circuit, है ना? LCR circuit में devices कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे देखेंगे circuit बनाया मैंने, ये हो गया L inductor, ये हो गया C capacitor और ये हो गया R resistor, है ना? तो अगर मैं इसमें जो है सपोज मैं मान लेता हूँ कि इसमें I current flow कर रहा है ना, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, किरचॉफ्स लगा सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल है जीरो, यहाँ से यहाँ जीरो ही रहेगा क्योंकि इधर कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, कोई जो डिवाइस है नहीं इधर, तो जीरो यहाँ तक रहेगा। इसके आगे जाएंगे तो डिक्रीज होगा, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना? इसके आगे जाएंगे तो फिर डिक्रीज कराएंगे, माइनस क्यू बाई सी, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी होता है, यहाँ का एल डी आई बाई डी टी होता है। फिर यहाँ सीधा जाएंगे तो घटेगा, हमें पता है करंट के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है, इसीलिए मैं घटाते जा रहा हूँ, है ना? माइनस आई इंटू आर, यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ तक सेम होगा यानी कि जीरो होगा, है ना? तो अगर यहाँ पर इस तरह से कुछ लिखा जाए कि जो आई है, आई को हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं, है ना? तो ये होगा एल, आई का भी डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पर आएगा डी टू क्यू डिवाइडेड बाई डी टी टू, ये आएगा, माइनस माइनस सारे गायब हो जाएंगे, प्लस प्लस हो जाएंगे, प्लस पहले ये वाला लिखते हैं आई आर, आई को मैं लिखूंगा डी क्यू बाई डी टी, आर डी क्यू बाई डी टी, आर आई के जगह पर डी क्यू बाई डी टी लिख दिया, प्लस ये हो गया क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो, है ना? एक तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आया। इसी तरह का एक डिफरेंशियल इक्वेशन आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में और डैम्प्ड ऑसिलेशन में। तो जो डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला केस है उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है वो कुछ ऐसा आता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिखते हैं डी टू एक्स बाई डी टी टू, ठीक? यहाँ पर एक स्प्रिंग है, है ना? एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के कहा गया, तो ये भी आता है के एक्स, ठीक है? अगर एक केवल स्प्रिंग होता तो इसमें डैम्पिंग होता नहीं। ऐसा देख सकते हैं आप कि ये जो ब्लॉक है वो किसी लिक्विड के अंदर रखा गया है, जो लिक्विड है वो विस्कस है, तो विस्कस लिक्विड एक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से इसकी एनर्जी धीरे धीरे घटेगी, तो एक यहाँ पर विस्कस फोर्स लगता है जो कि इसकी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है ना? तो वो लिखते हैं बी इंटू वी, जो v है वेलोसिटी उसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी, है ना? क्योंकि इसमें लगने वाला जो फोर्स है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि स्टोक्स फोर्स आप पढ़ते हैं, है ना? तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, तो इस पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स वो भी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, b कॉन्स्टेंट है, ठीक, इज इक्वल टू जीरो। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आता है डैम्प्ड ऑसिलेशन में। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, है ना? तो जो टर्म है ना एल सी और आर, इनके जो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं यहाँ पर वो हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर एम डी टू एक्स बाई डी टी टू है, यहाँ पर एल डी टू क्यू बाई डी टी टू है, है ना? जैसे यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्यू है चार्ज, ठीक? तो एल और एम इक्विवेलेंट है, एल इक्विवेलेंट है किसके, एम के, Q जो है वो इक्विवेलेंट किसके है, X के। और देखेंगे यहाँ पर जैसे B dx by dt है, यहाँ पर R dq by dt है, तो R जो है किसके इक्विवेलेंट है, इस B के इक्विवेलेंट है। और इस टर्म को कंपेयर करेंगे Q by C और kx, है ना? तो जो K है वो एक्चुअली में 1 by C के इक्विवेलेंट है, X और Q इक्विवेलेंट है ना? तो K या कहेंगे 1 by C, है ना, 1/c जो है वो k के इक्विवेलेंट है, यानी c 1/k के इक्विवेलेंट है, ऐसे कह सकते हैं। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें l वाला दिया गया है, r वाला दिया गया है और c वाला दिया गया है, है ना? तो आप देखेंगे कि l जो है वो m के इक्विवेलेंट है, r जो है वो b के इक्विवेलेंट है और c 1/k के इक्विवेलेंट है। तो इसमें देखेंगे जो सबसे पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर सही लग रहा है ना? इसमें पहला ऑप्शन देखें कि इसमें L जो है वो M के इक्विवेलेंट है, R B के इक्विवेलेंट है
और सी जो है 1/k के इक्विवेलेंट है, तो पहला ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट ऑप्शन आएगा।